बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम लेकर के आ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या एक अकेला वर्ब वाक्य हो सकता है, ये देखें। तो जैसा कि मैं बताया कि एक वाक्य होने के लिए क्या जरूरी है, क्या एक वीवन अपने आप में एक सेंटेंस है। तो नॉर्मली सेंटेंस का यदि हम डिफिनेशन जाने तो सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आप देख लीजिएगा, डिफिनेशन पीछे काफी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जो टेंस बता दे उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन क्या एक वीवन अपने आप में एक वाक्य है? तो देखेंगे, गो जाओ, कम आओ, ईट खाओ, सीट बैठो, क्या ये सब वाक्य हैं? तो समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वीवन से स्टार्ट होता है और ये आग्रह करता है, आदेश देता है, सलाह देता है और मनाही करता है। आग्रह, आदेश, सलाह और मनाही। तो इसका सब्जेक्ट कौन होता है? कहता है कि एक तरफ हम रूल बता रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए सेंटेंस होने के लिए, तो इसमें तो सिर्फ वर्ब है। तो कहता क्या है, ध्यान से देखिए, इसका सब्जेक्ट हम बताए थे इंपेरेटिव सेंटेंस वीवन से स्टार्ट होता है, इसका सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसका एक्शन सेंस फ्यूचर का होता है, इसका जो एक्शन सेंस होता है वो फ्यूचर में होता है। जैसे कहेंगे गो जाओ, तो कौन जाएगा? यू जाएगा, सुनने वाला जाएगा यू। कहता है कम आओ, कौन आएगा? जो सुन रहा है वो आएगा, यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है? क्रिया को करने वाला। तो यहां जाने वाला कौन है? गो, यू, जो सुन रहा है वो जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है और छिपा होता है। तो फिर से ध्यान रखिए, एक सेंटेंस के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, लेकिन इंपेरेटिव केस में, इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में एक वर्ब ही अपने आप में सब्जेक्ट है, इसका एक वर्ब ही अपने आप में सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ब ही अपने आप में एक सेंटेंस है और ये इसका सब्जेक्ट जो है यू छिपा होता है। कैसे? तो यू गो, यू कम, तुम आओ, यू ईट, तुम खाओ, यू सीट, तुम बैठो। तो इस तरह से आप रिवाइज कीजिए। और यदि वीडियो पसंद ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9530906969 पे आप अपना सुझाव, सलाह दे सकते हैं। कोई चैप्टर का डिमांड करना हो, कोई पॉइंट हो उसको समझाने के लिए भी आप उस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं।